नमस्कार, जय माता जी। दोस्तों, मैं दिनेश भाई जोशी आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दिनेश जोशी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और अपना परिवार सकुशल आनंद मंगलमय होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं, सब्सक्राइबर बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको अगर ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो आपको हमारे बनाए हुए वीडियो से ज्योतिष से संबंधित समस्या का हल मिल सकता है और आपकी उस समस्या कष्ट से मुक्ति पा सकते हो। जैसे आज अपन जिस आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, पति पत्नी के बीच में खराब होते संबंध के बारे में, आज का जो वर्तमान दौर है या यूँ कहा जाए आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति तनाव में रहता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी कुछ न कुछ प्रकार की टेंशन रहती है। अब वो टेंशन, वो तनाव कई बार आपके दाम्पत्य जीवन पर हावी हो जाता है, जिससे छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, बात तलाक की नौबत तक किया जाती है, घर में कष्ट पीड़ा बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता क्या करें। और छोटी छोटी बातों के बीच में कई बार पत्नियां नाराज़ होकर मायके भी जाके बैठ जाती हैं, तो कैसे आप अपने डूबते गृह संसार को बचा सकते हैं और कैसे अपने पति पत्नी के बीच में खराब हो रहे संबंध को सुधार सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सोमवार, बुधवार या शनिवार के दिन 7 तुलसी के पत्ते लाने हैं। नहा धोकर शुद्ध होकर पूर्वमुखी होकर बैठ जाए, आपके सामने 7 तुलसी के पत्ते बिछा दे, उस पर थोड़ा थोड़ा चावल, कुमकुम, गोरोचन और चंदन भी डाल दे और तुलसी के पत्ते पे आपकी पत्नी का नाम सर्वप्रथम लिख के फिर उस पर चावल, कुमकुम, गोरोचन डाल दे। फिर आपको क्या करना है, 7 पत्तों को बीच में से बांध देना है और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसे ध्यान से सुन लेना, उसे 1008 बार मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री ओम संयम संबंधो स्वयं स्वयं इच्छा स्वाहा, ओम श्री ओम संयम संबंधो स्वयं स्वयं इच्छा स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद 2 दिन के बाद उस सामान को, तुलसी के पत्ते को, आपको सोते समय तकिए के नीचे रख के सोना है 2 दिन, और 2 दिन के बाद वो आपको ले जाके पीपल के झाड़ के नीचे तुलसी के पत्ते रख देने हैं और ईश्वर से प्रार्थना करके आना है कि जो जीवन में तकलीफ चल रही है, कष्ट पीड़ा चल रही है, उससे मुक्ति मिल जाए और हमारी पत्नी दौड़ती हुई घर पर आ जाए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे, उनका अंत आएगा और आपके जीवन में नए प्रेम का आगाश होगा, आदेश होगा और जीवन में चल रही कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये हमारे बताए हुए प्रयोग किसी अनुभवी ज्योतिष विद्वानों के कथा कथित या सुने सुने अनुभवों से बताए गए हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व किसी योग्य गुरु की अवश्य सलाह लें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपकी ज्योतिष से कोई संबंधित समस्या है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें। आप सभी मित्रों की समस्या का समाधान होगा, निकाल होगा, जिससे आपका और आपका भविष्य और आपके परिवार का जीवन आनंद मंगलमय हो। इसी के साथ मैं प्रभु से कामना करता हूँ और आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।